हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई है आपकी IDBI बैंक के अंदर, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद में आई है वैकेंसी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, कुछ पोस्ट हैं आपके लिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, इसके अंदर दो तरह की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, और इसके अंदर क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, क्या वैकेंसी डिटेल्स होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर किस तरह से क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओली बोर्ड की मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सब जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी है। तो एक तो पोस्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर की, इसके अंदर दूसरी पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव की। अब क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेट्स के बारे में जानेंगे इसके अंदर, कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, उसकी लास्ट डेट क्या है। उसके बाद वैकेंसी की डिटेल्स देखेंगे, और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद जो सिलेबस का और भी होगा, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं आपके मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में, तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसका हम और भी देखेंगे सिलेबस का पूरे का। उसके बाद आपका डिटेल्ड सिलेबस है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट मैनेजर, इसकी जो डेट है और जो एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों की डेट्स हैं 4 अप्रैल 2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2019। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, पहले फॉर्म फिलअप कर देना है, जिससे कि आपको लास्ट में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार क्या होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है वेबसाइट पर, जिससे कि आप वंचित रह जाते हो, मतलब उस फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, कितनी कितनी पोस्ट है दोनों वैकेंसीज के अंदर। तो देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके अंदर है 500 वैकेंसीज आपकी, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में पोस्ट है 300, काफ़ी अच्छी मात्रा में पोस्ट है, तो आपको चांस मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आती है मेन बात कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस रहेगी, वो हम देखते हैं। देखिए, जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए आपको 55% चाहिए, यानी कि बाकी जो है ओबीसी एंड जनरल वाले उनको तो चाहिए 60%, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है उनको चाहिए 55%, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से बिलोंग करते हो तो आपको 45% सफिशेंट है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कौन कौन सी इसकी डेट्स हैं, वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है आपकी कितनी कितनी पोस्ट है इसके अंदर, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, ये सब हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बात असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज है, देखिए अनरजिस्टर्ड की जो है यूआर की वो है 228 वैकेंसीज, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, कम नहीं है होती इतनी। उसके बाद है आपकी एससी की, तो एससी की है 75 वैकेंसीज दे हुए हैं, है ना। उसके बाद है एसटी की, तो एसटी की वैकेंसीज आपकी 37, ओके। उसके बाद ओबीसी, तो ओबीसी के अंदर है 135 वैकेंसीज, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शंस है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो जनरल को अभी 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसकी बात है, तो इसके अंदर है आपकी 25 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद आती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, वी एच ओ एच एंड एच एस, तो तीनों के अंदर 5-5
वैकेंसीज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में भी, किसकी कितनी कितनी वैकेंसीज दी हुई है। तो इसके अंदर आपकी यूआर की जो वैकेंसीज है वो है 137 वैकेंसीज आपकी इसके अंदर दी हुई है। इसके बाद है एससी की, तो एससी की 45 वैकेंसीज दी हुई है। एसटी, तो एसटी के अंदर है 22 वैकेंसीज, 22 वैकेंसीज आपकी एसटी की है। उसके बाद ओबीसी, तो ओबीसी के लिए 81 वैकेंसीज आपको दी गई है, तो ये भी कम नहीं है बिल्कुल भी। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये भी आपकी 15 वैकेंसीज दी हुई है। उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसी है, ये है वीएच, ओएच एंड एचएस तीनों कैटेगरीज के लिए 3-3 वैकेंसीज आपको दी गई हैं, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कितने कितने वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की, जो फीस क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, कितनी कितनी फीस आपको देनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए जो असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए कितनी फीस रहेगी। देखिए जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 150 रुपये का पेमेंट करना होगा, सिर्फ इंटीमेशन चार्जेज है वही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो बाकी है अदर्स हैं जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज के, उनको 750 रुपये चुकाने होंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए क्या क्या फीस रहने वाली है। तो देखिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की जो पोस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद है अदर्स, जो भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये होगी फीस की बात। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या आपके टॉपिक्स उसके अंदर आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखते हैं किस तरह से रहेगा। तो देखिए इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसके अंदर क्या एज रहने वाली है, 21 से 28 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 साल होनी चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 ईयर्स, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से पेपर आपके आने वाले हैं। तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई का जो पार्ट रहेगा इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं उस और 40 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांट का जो सेक्शन है इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस की, तो ये पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होने वाले हैं इसके अंदर। तो आपका जो ये लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई का पार्ट और जो जीके इकोनॉमिक एंड बैंकिंग का जो पार्ट है 60-60 क्वेश्चंस और 60 नंबर के होंगे। तो ये दोनों जो मतलब सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 120 नंबर तो ये दोनों ही कैरी करते हैं। इसके बाद आपका जो इंग्लिश एंड क्वांट का जो सेक्शन है ये 80 मार्क्स कैरी करता है कंबाइंड रूप से, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव का किस तरह से पैटर्न रहने वाला है, कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये भी हम उसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके बारे में। तो देखिए एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट दी हुई है इसके अंदर आपकी जो एज मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसके जो सिलेबस है कौन कौन से सब्जेक्ट वो देखते हैं। देखिए रीजनिंग का जो है इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके अंदर, ओके। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया है। तब इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो अलग अलग रीजनिंग न्यूमेरिकल और इंग्लिश सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है किस तरह से रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे, कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर आपका एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, और इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद में जब आप ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू ये दो प्रोसेस से आप होके आपको गुजरना पड़ेगा तब जाके आपको ये पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है इसके लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो फाइनल सिलेक्शन रहने वाला वो आपका ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे होगा।
तो चलिए दोस्तों अब इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपके असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं उनके लिए मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, तो तीनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहेगा, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई एक दो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है लेकिन लगभग सेम ही आपका सिलेबस रहने वाला तीनों पेपर के लिए, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो। बस एक डिफरेंस है कि जो आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपका एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि जीके इकोनॉमिक्स प्लस जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है यह आपका असिस्टेंट मैनेजर में एक एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा जीके का, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के अंदर सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट होंगे, मैथ रीजनिंग प्लस इंग्लिश, और असिस्टेंट मैनेजर में आपके चार पेपर रहेंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश प्लस जीके। बस ये डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस लगभग सेम है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद पजल्स, तो पजल्स अलग अलग टाइप की पूछी जा सकती है। इसके बाद इनपुट आउटपुट का जो पार्ट है इसके अंदर अलग अलग तरीके के जो नए पैटर्न के पुराने पैटर्न के हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके बाद है सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, तो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बाद में है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी पूछ ले जाते हैं। इसके बाद है डेटा सफिशेंसी, डेटा सफिशेंसी के बाद है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद है कोडेड इनइक्वालिटीज़, जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड इंग्लिश के बारे में। अब जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके वो है पहला सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है एवरेज का जो टॉपिक है वो है, उसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक दिया गया है। इसके बाद आपके आती है मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ये क्वेश्चन लगभग सब बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज, जो आयु से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आयु पूछी जाती है, अलग अलग दी जाती है आपको। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात आती है नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के जो ये तो रहते ही रहते हैं, क्वांट का जो पेपर होता है उसके अंदर नंबर सीरीज का तो क्वेश्चंस ऑलरेडी रहता ही रहता है। उसके बाद बात आती है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो समय चाल दूरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है टाइम एंड वर्क की, है ना, समय काम मजदूरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है नंबर सिस्टम की, जो संख्या पद्धति के क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी डेटा सफिशेंसी, तो डेटा सफिशेंसी में आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो डेटा आपको निकालना होता है उसके अंदर सफिशियंट मात्रा में आपको दिए रहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो उसके अंदर आपको बताना होता है कि एक या दो से मिला के होगा या अकेले एक से होगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके बाद लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात आती है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन की, तो मिश्रण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं, लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो भी सिलेबस है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसके लिए जो जीके बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो जीके इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा उसका, वो हम देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में मतलब जो भी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली का जो जीके होता है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप हमारा जो आम बजट रहा है इस बार का तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों के लिए कितना कितना बजट अलोकेट किया गया है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो बजट का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे का भी आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से आर्थिक सर्वे किया गया अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं।
इसके बाद आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, तो इसके अंदर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है बैंकिंग टर्म्स, तो बैंकिंग की जो मदें होती है, जो शब्द होते हैं बैंकिंग की, जो शब्दावली है, फाइनेंशियल टर्म्स है, जो वित्तीय शब्दावली होती है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो एब्रीविएशंस होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन होल सारी तरह की जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड शब्दावली हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वो भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं, तो ये आपसे पूछा जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं पीपल इन न्यूज़, तो जो लोग चर्चा में रहे हैं हाल ही के अंदर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है न्यू अपॉइंटमेंट्स की, जो नई नियुक्तियाँ की गई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो सरकार की जो योजनाएं रही चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी योजना में कितना बजट अलोकेट किया गया है, कौन सी योजना कहाँ पे शुरू की गई है, कौन सी तारीख को शुरू की गई है, किसने उद्घाटन किया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, तो जो पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पुरस्कार बांटे गए हैं, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात आती है स्पोर्ट्स न्यूज़ की, तो खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से खेल खेलों का आयोजन हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, कौन कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं, हटाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो चुका है। तो हम अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके बारे में, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो तो आपका सेम रहेगा। जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वांट एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी वही रहने वाला है, उसमें कुछ अलग नहीं आएगा, आपका सेम ही रहेगा दोनों के लिए। मैथ एंड रीजनिंग का जो पार्ट है दोनों कैटेगरी के लिए, दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है, तो ठीक है। तो हम सिर्फ आपसे इस पोस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं और कितना कितना इनका सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब मैथ रीजनिंग का जो भी टॉपिक है, सिलेबस है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। तो दोनों जो पोस्ट है आपके असिस्टेंट मैनेजर की एंड एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस रहने वाला आपका, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, तो दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेबस सेम है। जो मैंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए बताया वही आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए रहने वाला है, तो सेम सिलेबस है इनका। तो देखिए इंग्लिश सेक्शन की हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, जो भी एग्ज़ाम्स होती है उन एग्ज़ाम स्पेशल जो एग्ज़ाम्स होती है उनके बेस पे मतलब पैसेज होते हैं कई बार, जैसे कि मान लो LIC का जो होता है इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो इंश्योरेंस रिलेटेड पैसेज आपसे पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग से पूछे जा सकते हैं, सोशल इश्यूज पे पूछे जा सकते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है पैरा जंबल्स, तो पैरा जंबल्स के अंदर भी आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं आप इसको, एक ही है दोनों चीज़, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना होता है। उसके बाद है पैरा कंप्लीशन, जो पैराग्राफ होता है उसको कंप्लीट करने के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है मल्टीपल मीनिंग एंड एरर स्पॉटिंग, तो देखिए बहुत से मतलब चार ऑप्शन आपको दे देंगे, तो मल्टीपल मीनिंग है जो उससे सेट होती है कि आपको ऑप्शन चूज करना है A&B, B&C, C&D, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी एरर स्पॉटिंग वाले, तो आपको एरर स्पॉट करनी होती है, एरर ढूंढनी होती है सेंटेंस में कहाँ पे कौन से पार्ट में एरर दी गई है वो आपको ढूंढनी होती है। उसके बाद idioms एंड phrases है ना, तो जो idioms एंड phrases वाले questions है वो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, जो सेंटेंस क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, दोनों का जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का दोनों ही पोस्ट के लिए सेम है, एज वेल एज मैथ एंड रीजनिंग, तो मैथ एंड रीजनिंग के लिए के मतलब सेम सिलेबस रहने वाला आपका, ठीक है। तो आपका जो आज का वीडियो है इस पोस्ट रिलेटेड IDBI बैंक का फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, तो दोनों ही पोस्ट के लिए हम सारा जो डिटेल है वो डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, तो हर बात हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए, मैंने मैथ रीजनिंग का जो भी बताया है उससे रिलेटेड, इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड हम डिटेल्ड जो सिलेबस है हमारा इस IDBI पोस्ट के लिए, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसके लिए हम एक डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो हम लेके आएंगे, जिसके अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।